तो इस तारक मेहता का उल्टा चश्मा में नवरात्रि का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है और इस दौरान काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन दिखाई गई है। इसमें गोकुलधाम सोसाइटी में साक्षात माता जी के 9 स्वरूपों ने सभी को दर्शन दिए और इसके बारे में किसी को पता भी नहीं चला। तो हेलो गाइज, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं समग्राम। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। वीडियो में बने रहे एंड तक। तो भाई, चैनल को थोड़ा बहुत सपोर्ट दिखाना है तो प्लीज लाइक कर दें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो भाई बढ़ते हैं वीडियो में आगे की ओर। सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो में जेठालाल आरती करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि दया जल्द से जल्द गोकुलधाम सोसाइटी में घर वापस आ जाए और टप्पू के भविष्य को लेकर भी जेठालाल माता जी से आरती करते हुए प्रार्थना करते हैं। इसके बाद गोकुलधाम के सभी सदस्य भी माता जी की आरती करते हैं और अपनी अपनी विशेष की प्रार्थना करते हैं। फिर जो 9 कन्याएं जेठालाल के साथ आई थी वो भी माता जी की आरती करती हैं। फिर सबसे पहले उनका ही गरबा देखने को मिलता है। इस दौरान हर एक स्टेप और गरबे का स्टाइल बहुत ही इंटरेस्टिंग देखने को मिलता है। फिर इसके बाद उन 9 कन्याओं के साथ महिला मंडल का गरबा देखने को मिलता है। फिर गोकुलधाम के सभी सदस्य धूमधाम से गरबा करने लगते हैं। इस दौरान मानना पड़ेगा कि तारक मेहता के मेकर्स ने हर एक शॉट को, गरबे के स्टाइल को, सबके फेशियल एक्सप्रेशन को अच्छी तरीके से, शानदार तरीके से दर्शाया है। फिर थोड़ी देर बाद ही वो 9 कन्याएं अचानक अदृश्य हो जाती हैं। फिर चंपक चाचा ध्यान देते हैं कि वो 9 कन्याएं अचानक कहाँ चली गई हैं। सब इसी बारे में सोचने लगते हैं। तब चंपक चाचा को अनुभव होता है कि वो 9 कन्याएं और कोई नहीं बल्कि साक्षात खुद 9 दुर्गा थी। चंपक चाचा कहते हैं कि वो हमारे गोकुलधाम में हमें दर्शन देने के लिए और हमारे साथ गरबा करने के लिए आई थी। फिर सब काफी भावुक हो जाते हैं। सब माता जी को दर्शन देने के लिए दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और प्रार्थना करते हैं और माफी भी मांगते हैं कि हम आपको पहचान नहीं पाए। इस दौरान सब इमोशनल होते हुए दिखाई देते हैं। मतलब सारे सीन्स को तारक मेहता शो के मेकर्स ने अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट किया है। जेठालाल इस दौरान बताते हैं कि रास्ते में वो जो जिस कार से आए थे वो खराब हो गई थी। फिर 9 कन्याएं उनके पास आई और उन्होंने लिफ्ट मांगी। फिर तारक मेहता कहते हैं कि जेठालाल तुम जिस कार में आए हो उसमें तो सिर्फ 5-6 लोग आ सकते हैं, फिर 11 लोग कैसे आ गए। तब चंपक चाचा कहते हैं कि ये तो सब माता जी के अदृश्य शक्ति की कृपा है। फिर सब एक बार फिर से गरबा करने लगते हैं। अब आगे दिखाया जाएगा कि शो के प्रोड्यूसर आसित कुमार मोदी गोकुलधाम में एक व्यक्ति और एक बच्चे के साथ आएंगे और सबको उनसे इंट्रोड्यूस कराएंगे। अभी कुछ समझ नहीं आया है कि आसित कुमार मोदी गोकुलधाम क्यों आए हैं। हो सकता है कि वो कोई सरप्राइज लेकर आए हों। देखना होगा कि आखिर आसित कुमार मोदी गोकुलधाम सोसाइटी में क्यों आए हैं। तो गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर दें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग अपडेट्स, लेटेस्ट अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग समग्राम।